गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स टुडे वी विल डिस्कस द एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डिके, इंट्रैक्शन ऑफ गामा रेडिएशन विद मैटर हम कर रहे थे। तो गामा के बाद अगर हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, तो जब अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं, हीलियम टू फॉर जो आपके पास जो निकलता है हीलियम, उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल है, जब वो अगर किसी एलिमेंट के साथ, किसी मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास एनर्जी होती है, क्या उसमें प्रोसीजर होता है, कितनी एनर्जी निकलती है, दैट इज डिफाइंड एज एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डिके। तो कहते हैं व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। तो ये एक मेजर चीज़ है कि अगर हम बात करें, हमें किसी एलिमेंट का नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, इसमें अल्फा डिके है या नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो होता है आपके पास, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस होता है। जब इसको हम गामा रे, अल्फा रे के साथ, अल्फा रेडिएशन के साथ जब हम इसको इंट्रैक्ट करवाते हैं, तो अगर इसका मास नंबर, ये है इसका मास नंबर, 4 से डिक्रीज कर जाए और इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाए, दैट मीन्स कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, अल्फा एमिशन हुआ है, अल्फा डिके हुआ है। क्लियर? प्लस में कुछ एनर्जी निकलती है क्यों, ठीक है? तो ये एक्स क्यों के आपके पास एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग अल्फा एमिशन में। तो द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ई की जगह हमने किसको कंसिडर कर लिया, ई की जगह हमने ले लिया क्यू, क्योंकि टोटल एनर्जी वो थी। अब अगर बात आती है मास की, तो जो टोटल मास है, अगर हम पेरेंट में से डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल के मास को माइनस कर दे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग मास है वो बच जाएगा इनटू सी स्क्वायर, ठीक है? तो वेयर एम एक्स एम वाई एम अल्फा आर द मासेस ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस एक्स, डॉटर न्यूक्लियस वाई एंड अल्फा पार्टिकल, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो बेसिक इक्वेशन हमें क्या देखनी है कि जब अल्फा पार्टिकल को, अल्फा रेज को हम किसी भी एलिमेंट पर डालते हैं, एक्स क्या है, कोई एक एलिमेंट है, ए उसका एटॉमिक नंबर है और जेड उसका एटॉमिक, सॉरी ए उसका मास नंबर है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर, ये चीज़ हमें देखनी है कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज डिक्रीजेस बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, दैट इज अल्फा एमिशन। अब इसमें निकालना क्या होता है हमें, अभी जो टोटल एनर्जी होती है क्यू, ये बेसिकली क्या होती है, शेयर्ड बाय द डॉटर न्यूक्लियस वाई एंड अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये एनर्जी, ये जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये कहते हैं कि वी वाई एंड वी अल्फा, दीज आर दी एनर्जीज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो अब हम अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वेयर प्लस हाफ एम वाई पी वाई स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होगा, दोनों में कंजर्व होगा। दोनों का मतलब क्या है, अल्फा एमिशन में, कि जो वाई का जो डॉटर न्यूक्लियस है और जो अल्फा है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, दैट इज एम वाई वी वाई इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी वाई वेलोसिटी दैट विल बी एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाई एम इन टू वाई, और ये जो वी की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे वी वाई की जो वैल्यू है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, दैट विल बिकम हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वेयर। हमें वी अल्फा क्यों चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है, अल्फा पार्टिकल्स के एनर्जेटिक्स निकालनी है, तो इसलिए जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम वाई पी वाई, वी वाई की वैल्यू क्या है, एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई का होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एम अल्फा और वी अल्फा स्क्वेयर, ये कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एम अल्फा बाई एम वाई, ये बचेगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू क्यू। क्लियर?
तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन बाय टी अल्फा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इस सारी टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आए तो? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट विल बी क्यू ओवर एम वाई ओवर एम अल्फा प्लस एम वाई. हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके, एम एम वाई जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज एम वाई प्लस एम अल्फा. क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं तो जो टी अल्फा है दैट विल बिकम एम वाई. एम वाई क्या है, डॉटर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है ये हमारे पास. अब अगर हम इसको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ए माइनस फोर. अल्फा का मास क्या हो गया, देखिए मास नंबर है ना ये, तो डॉटर न्यूक्लियस का मास क्या था हमारे पास, ए माइनस फोर था. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो डॉटर न्यूक्लियस है ये इसका मास नंबर ही तो है ना, इसका मास हमने लिख दिया ए माइनस फोर. ठीक है? और एम अल्फा, अल्फा का मास क्या था हमारे पास, फोर था, प्लस में एम वाई का मास क्या है, ए माइनस फोर है, इंटू क्यू वेयर ए इज द मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस. क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज टी अल्फा विल बी ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू. ये तो आगे हमारे पास एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की. सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं डॉटर न्यूक्लियस की, इफ टी वाई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वाई, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास. अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी ये वाली, ये इक्वेशन, इसको क्या लिखेंगे हम, टी अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे हम, टी वाई, दैट इज इक्वल टू क्यू. तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज टी अल्फा प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो हमें क्या निकालना है, टी वाई निकालना है, तो टी वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस टी अल्फा. और टी अल्फा की हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हम यहाँ पे टी अल्फा की पुट करेंगे, तो जो टी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी टी वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस ए माइनस फोर बाई ए इंटू क्यू. क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बिकम वन माइनस ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए. और जब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फोर क्यू डिवाइडेड बाई ए. तो ये आ जाएगी हमारे पास टी वाई की वैल्यू. तो दोनों की एनर्जेटिक्स हमारे पास आ गई. दैट मीन्स कि जो आपके पास अल्फा डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड करेगा मास नंबर पे, जबकि जो डॉटर न्यूक्लियस है वो भी दोनों क्या है, मास नंबर पे डिपेंड करेंगे. ये दोनों ही इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो क्यू वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. क्लियर? जैसे ये आ गया हमारे पास, ये तो एनर्जेटिक्स आ गई आपके पास, दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. क्लियर? और ये जो आ जाएगी आपके पास दैट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. अब वो पूछता है कई बार, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं किस तरह के, कई बार पेपर में क्या होता है वो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं. वो कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है आर एन 86222. क्लियर? क्यू की वैल्यू उसने हमें दे दी है 5.5
5.87 MeV। तो वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालो अल्फा पार्टिकल की और डॉटर न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है ये 222, क्यू की वैल्यू हमें दे दी, दोनों रिलेशन हमें पता है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं। क्लियर।